जा रही हूँ अम्मी की तरफ और बताऊंगी मैं रूपीज सर। चार बजे चल यार लेके चल और मुझे चल। दामीन इधर आओ, मामा इधर है, इधर आओ। पहली बार मैंने जहाज में से जहाज देखा, इतना छोटा सा जा रहा था नीचे बादलों की तरफ। सरीन का इंतखाब हरगिज मत करें, बहुत ही घटिया एयरलाइन है। 10 बजे यहाँ से उड़ जाना था, 10 बज गए हैं और अभी ये कह रहे हैं कि हमारा जहाज जद्दा से आया। गुड मॉर्निंग जी, नाश्ता तो हमने नहीं किया, चाय हमने पी ली और अब हम निकल चुके हैं। मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ और सॉरी फॉर द लास्ट डिले। अभी इंशाल्लाह ताला आपको एक दिन में दो व्लॉग्स मिल जाएंगे, बर्थडे का भी और कराची टू लाहौर का भी। सही है जी जनाब, तो भी हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि जब इंसान सिंगल होता है तो उसको कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब वो माँ बन जाता है तो उसको इतनी पंड उठानी पड़ती है। माँ बन जाता है या बन जाती है तो पता चलता है, फिर बनते हैं। खैर अभी हम निकल चुके हैं बैरिया से और आप लोग इससे दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा। नहीं ऐसे नहीं, आप लोग इससे दरख्वास्त है बरए मेहरबानी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, शुक्रिया। हमारी फ्लाइट है और ये टाइम हो रहा है और ये रूफी हैं जो तकरीबन पौने घंटे का सफर। कितनी देर में आए यार? अभी तो 10-15 मिनट हो गए। रूफी माफी दे दे, इतने भी शौक है ना, वीडियो बन रही है तो आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में 9:22 पे निकले थे हम, आधा घंटा हो गया। हाँ इतने आप रूफी तैयार है, तुमने बोला नहीं आज। आप इतने जहाज भी नहीं आप। ओके एक ही बात कितनी बार चल यार लेके चल और मुझे चल। अंदरून मुल्क, अंदरून मुल्क यार करवा। आपने उस दिन गाड़ी कब लगानी है वहां जाके यार? वो हमारी जो एयरलाइन है उसका चेक इन स्टार्ट हो गया। चेक इन स्टार्ट। मेरा बेटा सो गया, इसी वजह से मैंने रूफी को भेजा कि आप जाके दामी की टिकट लेकर आएँ, क्योंकि हम जब यहाँ पर आते हैं तो फिर हम दामी की जाके टिकट लेते हैं। तकरीबन 2500 की दामी की टिकट आती है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस टिकट में कहना होता है कि हम आपको गर्म पानी देते हैं, इसीलिए हम आपके बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए आपसे 2500 रुपये लेंगे। एक घंटे की देखभाल के 2500 रुपये, कितने महंगे हैं ये लोग। चलो भाई बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दामी छोड़ा मेरी जिंदगी। चलो ओके बाय बाय। जी भाई हमें लगा हम तो आज लेट हो गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और दामी की टिकट 4000 की आई है, 2500 की नहीं आई, इसलिए क्योंकि आज की टिकट उन्होंने कहा अभी 35000 की मिल रही है, तो इस हिसाब से जो इन्फेंट की टिकट है वो 4000 की आएगी। तो दामी की टिकट इस बार आई है महंगी सरीन में और यहाँ की मिठाई मेरी अम्मी को बहुत पसंद है कसरे शीरी की, तो वो मिठाई हमने लिया। और मिला बेबी जो है वो अब बस तंग हो रहा है क्योंकि अचानक से इन्होंने हमें कोई ऐसी बैड न्यूज़ दी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तकरीबन हमें हमारी फ्लाइट ने 10 बजे यहाँ से उड़ जाना था, 10 बज गए हैं और अभी ये कह रहे हैं कि हमारा जहाज़ जद्दा से आया और अभी वो पहले साफ़ होगा, धुलेगा, जो पायलट है वो नैप लेगा, जहाज़ ठंडा होगा, जहाज़ कम है इनके पास, तो फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ से 11 बजे ही निकलेंगे। तो ये पहली बार मेरे साथ हुआ है कि डोमेस्टिक कोई एयरलाइन लेट हुई है। दामीन इधर आओ, मामा इधर है, इधर आओ। अल्लाह अल्लाह करके जी अब हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया, जिसमें हम लोग लाइन में खड़े हो के ना हमारी हड्डियां भी दुखने लग गई थी। पहले एक तो बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल है स्ट्रॉलर में, तो दामीर ने एक मिनट सब्र नहीं किया। फिर उसके बाद हमारे जाने का अंदर मौका आ गया, तो फिर भी अंदर स्ट्रॉलर जब मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद मैं दामीर को कितनी देर गोद में उठा के खड़ी रही। इन्होंने हमें तकरीबन 40 मिनट के बाद सीट पर बिठाया। जलील होने के बाद 10:40 पे हम प्लेन में बैठ चुके और अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी नहीं बैठ रहा। एक लोगों को बिठाने में तकरीबन 1 घंटा तो शायद इसी में लग जाएगा, अभी भी 1 घंटा लगेगा इसमें।
लो जी 11:05 पे हमारी जो है वो परवाज़ जाने के लिए तैयार हो गई है और हम लोग टेक ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, सरीन की एक बात मुझे बहुत पसंद है, वो ये है जो पॉजिटिव साइड होती है बतानी चाहिए, वो ये है कि ये लोग जो है ना टेक ऑफ बहुत स्मूथली करते हैं, पता भी नहीं चलता। और ये जनाब कराची का पूरा व्यू देखें आप जहाज़ में से, आपको कैसा लग रहा है। कराची में काफ़ी गर्मी थी जब हम कराची में से निकले थे, तब हम वहाँ पर टेम्परेचर हो रहा था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जी ये हमें मिला है नाश्ते में, दिस एंड दिस। आपस की बात है ऐसे बहुत ही बच्चा। आज तक मैंने सिर्फ एयर ट्रैफिक के बारे में सुना था, आज पहली बार मैंने देख भी लिया। वो देखे नीचे जहाज़ जा रहा है, कितना छोटा सा लग रहा है, वो भी लैंडिंग के लिए जा रहा है। तो दिन के वक्त काफ़ी एयर ट्रैफिक होता है, दूसरी भी एयरलाइंस जा रही होती हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती थी सरीन की इंतखाब करने की, इन्होंने फीडर धोने पर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की मेरे साथ, इनके अमले ने भी बहुत बदतमीज़ी की है मेरे साथ, और मैं ये बात कभी नहीं भूलूँगी। सरीन की मैंने कंप्लेन भी की है और ये बहुत बड़े अखलाक हैं। एक और अब नॉर्मल बच्ची थी, इन्होंने उसके साथ भी बहुत बुरी तरह से बिहेव किया। और बादल चेक करें, उफ क्या मौसम था यार। लाहौर पहुंचने के बाद तो तबीयत खुश हो गई, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था। और ग्रीनरी देखें, फ़र्क पता चल जाता है। जी ये तो आ गए हम लाहौर पंजाब में, जहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश होने की वजह से यहाँ पर मौसम अच्छे होने की वजह से काफ़ी चीज़ें निखरी निखरी लग रही हैं। उसके बाद इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर हम लोग आ गए, स्मोक भी काफ़ी कम हो गया। जो लाहौर में स्मोक काफ़ी हो रहा था, वो बारिश की वजह से धुल गया सारा स्मोक, तो अब स्मोक भी नहीं है जिस तरह से खबरों में बता रहे थे कि स्मोक काफ़ी हो रहा है। और दामी साहब जो है वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे करीम डाउनलोड करनी पड़ी, फिर मुझे मंगवाई करीम मैंने, तो उसमें टाइम लगा। फिर करीम वाले ने कहा कि आप बेसमेंट में आ जाएं, क्योंकि हम बेसमेंट से फिर मैं आपको पिक कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग जनाब बेसमेंट में चले गए, वहाँ पर जाके हमने वेट किया। ये है लिफ्ट जिसके ज़रिए हम आ गए, और मैं पहली बार लाहौर के एयरपोर्ट के बेसमेंट में आई हूँ। और मेरा बेटा जो है वो टायरों के साथ खेलियाँ कर रहा है। जो ठोकर की तरफ जाता है कैनाल रोड, बस पे आगे कहाँ जाना है? ठोकर से मैं आपको गाइड कर दूंगी, करीब ही है, ऑरेंज लाइन है, स्टेशन है ना, वहाँ जाना है। जी जी भाई, हम लोग फाइनली आधे घंटे की स्ट्रगल के बाद, लैंडिंग के बाद, अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। फिर आपको घर पहुँच के बाकी सब कुछ बताते हैं। मुझे आज बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, मैं उनकी कंप्लेन भी करके आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इखलाक कम से कम आपका अच्छा होना चाहिए जब आप पब्लिक बेस पे हों तो एटलीस्ट। भाई बात यह है कि सरीन के एक तो अमला साफ़ सुथरा नहीं था, दूसरा उनकी हेयर स्टाइलिंग, कपड़े वपड़े से, उस सबको तो छोड़ें, अखलाक आपकी सारी बुराइयों सारे ऐबों को ढक देता है। लेकिन उनकी इस बात पे मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इन लोगों को तमीज़ नहीं है बात करने की। मेरे बच्चे को एक सेकंड के लिए उन्होंने पकड़ा, उन्होंने पूरा बाजू खींच दिया मेरे बच्चे का, जिसकी वजह से मेरे बच्चे को चोट लग सकती थी, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन इतने जाहिलाना तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, फीडर धो के मुझे नहीं दिया मेरे बेटे का, और बहुत ज़्यादा बदतमीजी की मेरे साथ। सरीन का इंतखाब हरगिज़ मत करें, बहुत ही घटिया एयरलाइन है और बहुत ही बुरी एयरलाइन है। और मुझे जिस तरह से उन्होंने मेरे बच्चे को ट्रीट किया, जिस तरह से वहाँ पे एक और अब नॉर्मल बच्ची थी उसको ट्रीट किया, थोड़े से देसी लोग भी हैं ऑब्वियसली, वो पैसे भर के बैठे हैं जहाज़ में, लेकिन उन लोगों ने इतनी बदअखलाकी से बात की कि सरीन इज़ नॉट रियली रिकमेंडेड। बहुत ही घटिया घटिया एयरलाइन है, कभी भी उस पर सफ़र नहीं करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैंने कोई एक्सपीरियंस किया तो वो चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए कि वहाँ पर बिल्कुल भी आप सफ़र नहीं करें। खाना बकवास, इखलाक गंदा, टाइम पे फ्लाइट नहीं गई, सिर्फ उनकी लैंडिंग और जो टेक ऑफ है वो बहुत स्मूथ है। जो बात सच्ची है, जो बात सही है, वो सही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह अपना बहुत सारा प्यार दिखाते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।